नमस्ते दोस्तों, बाजार बोलता है में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट और एशियन मार्केट का आज का हाल। तो आइए देखते हैं कल के कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट। आज देखने लायक स्टॉक्स की बात करें तो डॉक्टर रेडीज लैब्स कंपनी की स्विट्जरलैंड की सहायक कंपनी नॉर्थ स्टार स्विट्जरलैंड और रिलेटेड पोर्टफोलियोस को हेलियन से 458 मिलियन पाउंड के कैश एडवांस कंसिडरेशन अधिग्रहित करेगी। 2025 और 2026 में कंपनी 42 मिलियन पाउंड का एडिशनल परफॉर्मेंस बेस्ड भुगतान करेगी। टेलीकॉम स्टॉक्स, भारती एयरटेल ने 97 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया जिसमें 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड शामिल हैं। 6857 करोड़ रुपए की लागत से, जो 20 वर्षों के लिए है। रिलायंस जियो ने 14.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 974 करोड़ रुपए में खरीदा और वोडाफोन आइडिया ने 3510 करोड़ रुपए का 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यूनिट JSW नियो एनर्जी ने अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से 1325 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए पावर परचेस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिन्हें अगले 21 से 24 महीनों में कमीशन किया जाएगा। ITD सीमेंटेशन कंपनी ने गुजरात में तीसरी बर्थ जेटी और निर्दिष्ट अतिरिक्त कार्यों के निर्माण के लिए 1082 करोड़ रुपए का नया मैरीन कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित किया। KEK इंटरनेशनल कंपनी ने अपने ट्रांसमिशन और केबल व्यवसाय के लिए 1025 करोड़ रुपए का नया आदेश प्राप्त किया है।